जो फल का त्याग कर दे परंतु कर्म का त्याग ना करे, ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माधव? विस्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सुनो पार्थ, जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती है, उसे दोहरी हानि होती है। एक तो निर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न अनिवार्य है उसे वो नहीं कर पाता, और दूसरा सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है। इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए। कर्म योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है, जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं। और बात जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह जनता है। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते, और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है, और अंत में ऐसे मनुष्य पूर्णतः पतन हो जाता है।